हाय कार लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एंट्री लेवल सिडान, या टेक्निकली बोलूँ तो सब 4 मीटर सिडान कार सेगमेंट की दो बेहतरीन कार्स का कंपैरिजन। इस फाइट में एक तरफ है सेगमेंट किंग पार्टी स्टॉपर मारुति सुजुकी की डिज़ायर, और दूसरी तरफ ह्यूंडई की ऑरा जो कि एक्सेंट की नेक्स्ट जनरेशन कार है। तो चलिए डिज़ायर से स्टार्ट करते हैं। डिज़ायर का नया फेसलिफ्ट मॉडल अभी मार्च 2020 में ही लॉन्च हुआ है, और डिज़ायर की प्राइस स्टार्ट होती है 5.89 लाख से 8.80 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। डिज़ायर ओनली पेट्रोल इंजन के साथ आती है जिसमें 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन यूज़ किया जाता है। डिज़ायर मार्केट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। डिज़ायर इन 6 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, आर्टिक वाइट, शेरवुड ब्राउन, फोनिक्स रेड, मेगमा ग्रे, प्रीमियम सिल्वर और लास्ट में ऑक्सफोर्ड ब्लू जो कि इसका मोस्ट डिमांडिंग कलर है। वहीं अगर ऑरा की बात करें तो ऑरा को लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में। ऑरा की प्राइस स्टार्ट होती है 5.79 लाख से 9.22 लाख तक एक्स शोरूम दिल्ली। डिज़ायर के जैसे ऑरा भी 6 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, विंटेज ब्राउन, फेरी रेड, टाइफून सिल्वर, अल्फा ब्लू, पोलर वाइट और टाइटन ग्रे मेटालिक। ऑरा 3 तरह के इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि AMT और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में आता है, 1.2 लीटर डीजल इंजन जो कि AMT और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में आता है, और 1 लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। इसके साथ ही ऑरा में कंपनी फिटेड CNG फ्यूल टाइप का ऑप्शन भी आता है। आइए अब इन कार्स का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन को देखते हैं। लेंथ के हिसाब से ये दोनों कार इक्वल है। इनकी लेंथ 4 मीटर से बस थोड़ी सी ही कम है। इनकी लेंथ है 3995 mm। विड्थ के हिसाब से देखा जाए तो डिज़ायर ऑरा से 55 mm ज़्यादा चौड़ी है। डिज़ायर की विड्थ है 1735 mm जबकि ऑरा की 1680 mm। इस एडवांटेज के कारण डिज़ायर की रियर सीट्स में ज़्यादा अच्छा स्पेस ऑफर होता है और 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली डिज़ायर के अंदर बैठ सकते हैं ऑरा के कंपैरिजन से। डिज़ायर की हाइट है 1515 mm जबकि ऑरा की 1520 mm। ऑरा डिज़ायर से 5 mm ज़्यादा ऊँची है। लेंथ के जैसे दोनों कार का व्हील बेस भी इक्वल है। दोनों का व्हील बेस है 2450 mm। इनका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोनों ही कार में 37 लीटर्स। ऑरा का बूट स्पेस डिज़ायर के कंपैरिजन में 24 लीटर ज़्यादा बड़ा है। डिज़ायर का बूट स्पेस है 378 लीटर्स जबकि ऑरा का 402 लीटर्स। अगर इन दोनों कार्स के टायर साइज़ की बात करें तो डिज़ायर के लोअर वेरिएंट्स की टायर साइज़ है 165/80 R14 जबकि ऑरा की 165/70 R14। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि इन टायर साइज़ में इन नंबर्स का क्या मतलब है। तो टायर साइज़ में जो फर्स्ट नंबर यूज़ किया जाता है वो बताता है कि टायर की विड्थ क्या है, मतलब टायर की चौड़ाई कितनी है। हमारे इस केस में डिज़ायर और ऑरा के टायर की विड्थ है 165 mm। टायर साइज़ में ऑब्लिक के बाद जो सेकंड नंबर होता है वो बताता है उसका आस्पेक्ट रेशियो, मतलब टायर की हाइट, या बोलूँ तो टायर के जो रबड़ पार्ट है उसकी मोटाई का रेशियो उसके विड्थ के कंपैरिजन में। तो हमारे इस केस में डिज़ायर का आस्पेक्ट रेशियो है 80 जबकि ऑरा का 70, मतलब डिज़ायर के टायर ज़्यादा मोटे हैं ऑरा से कंपैरेटिवली। आर यूज़ होता है रिडायल के शॉर्ट फॉर्म के लिए, और आर के बाद टायर के डायमीटर्स को बताते हैं, मतलब इस वाले केस में डिज़ायर और ऑरा के टायर्स का डायमीटर है 14 इंच। आइए अब इन दोनों कार्स के इंजन स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। क्योंकि अब मारुति ने डीजल इंजन बनाना बंद कर दिया है और डिज़ायर ओनली पेट्रोल इंजन के साथ आती है, तो हम इस कंपैरिजन में डिज़ायर के पेट्रोल इंजन को सेम कैपेसिटी वाले ऑरा के पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर करेंगे। डिज़ायर का इंजन 89 BHP की पावर जनरेट करता है जो कि 7 BHP ज़्यादा है ऑरा के 82 BHP से, और टॉर्क के हिसाब से देखें तो डिज़ायर का इंजन 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जबकि ऑरा का 114 Nm का, मतलब डिज़ायर से 1 Nm ज़्यादा। और अगर बात करें कि कितना देती है, मतलब इन दोनों कार्स के माइलेज के बारे में, तो डिज़ायर का ARI क्लेम्ड माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन में 23.26 का
और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 24.12 का, जबकि ऑरा के केस में क्लेम माइलेज है मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.50 का और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 20.10 का। मतलब डिज़ायर का माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन में 2.76 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4.02 किलोमीटर्स पर लीटर ज़्यादा है ऑरा के कंपैरिजन में। इंटीरियर के हिसाब से देखें तो ऑरा में ड्यूल टोन ग्रे कलर का इंटीरियर यूज़ किया जाता है, जबकि डिज़ायर में मेनली बीच कलर का। इंटीरियर में यूज़ हुए प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो उसमें डेफिनेटली ऑरा की प्लास्टिक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। डिज़ायर के इंटीरियर में जगह जगह वुडन फिनिश की प्लेट्स का वर्क किया गया है और ओवरऑल लुक्स के हिसाब से देखें तो डिज़ायर का इंटीरियर इन वुडन वर्क के कारण और बीच कलर के इंटीरियर के कारण ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लुक्स के हिसाब से देखें तो दोनों कार बेहतरीन हैं। डिज़ायर के फ्रंट बम्पर की डिज़ाइन और एक्स्ट्रा क्रोम वर्क होने के कारण हमारी ओपिनियन में डिज़ायर का फ्रंट लुक ज़्यादा बेटर है। बट अगर बात करें बैक व्यू की तो ऑरा के अंदर जेड शेप के टेल लैंप यूज़ किए जाते हैं, जो कि ह्युंडई की जो प्रीमियम कार है एलेंट्रा उससे इंस्पायर है। तो ओनली रियर व्यू के हिसाब से ऑरा ज़्यादा बेटर है। इन दोनों कार्स को थोड़ा दूर से देखने पे डिज़ायर थोड़ी बड़ी लगेगी। शायद उसका एक रीज़न है कि डिज़ायर थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है ऑरा के कंपैरिजन में। तो जैसा कि लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर होता है तो हो सकता है आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो। प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताइएगा आपको लुक्स में कौन सी कार ज़्यादा बेटर लगी। अब लास्ट में एक बार इनके फीचर्स देख लेते हैं कि इन दोनों कार्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। हम इस कंपैरिजन में इनके टॉप मॉडल्स को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनीज़ अक्सर अपनी कार के टॉप वेरिएंट्स में उस सेगमेंट में आने वाले सारे फीचर्स ऑफर कर देती है, जिनकी हमें कई बार नीड भी नहीं होती है। हम यहाँ कंपेयर करेंगे इन दोनों कार्स के मोस्ट सेलिंग वेरिएंट्स को, जिनको इन कार्स का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स भी कहा जाता है, डिज़ायर के VXI और ऑरा के S वेरिएंट को। प्राइसिंग डिफरेंस के हिसाब से देखें तो डिज़ायर के VXI मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइस है 6,79,000, जबकि ऑरा के S वेरिएंट की 6,55,900। दोनों की प्राइस में 23,100 का डिफरेंस है। डिज़ायर 23,100 से ज़्यादा महंगी है मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। डिज़ायर की प्राइस है 7,31,500, जबकि ऑरा की 7,05,800। दोनों की प्राइस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो डिफरेंस है वो है 25,700 रुपये। डिज़ायर 25,700 से ज़्यादा महंगी है। तो स्टार्टिंग करते हैं कॉमन फीचर्स से, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि दोनों कार्स में कॉमन है, जैसे कि ड्यूल एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, पार्किंग सेंसर, ABS प्लस EBD, इंजन इमोबिलाइजर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, ऑल फोर पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम, मैनुअल AC, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट्स। इन फीचर्स के अलावा इन दोनों ही कार्स में रियर सीट पैसेंजर्स के लिए रियर AC वेंट्स और रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जैसे फीचर्स भी आते हैं। अब एक बार वो फीचर्स देख लेते हैं जो डिज़ायर में यूनिक हैं, मतलब ऑरा में नहीं आते हैं, जैसे कि ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट जो कि डिज़ायर के ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आता है, वैनिटी मिरर और सनवाइजर, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील्स, लगेज लैम्प्स, गियर इंडिकेटर्स, 12 वॉट के दो पावर आउटलेट, ऑरा में ओनली वन आउटलेट ही है, फ्रंट सीट हेडरेस्ट एडजस्टमेंट, ट्रेन इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs। ये लास्ट जो दो फीचर्स हैं वो ओनली ऑरा के ऑटोमेटिक S वेरिएंट में आते हैं, मैनुअल S वेरिएंट में नहीं आते। ऑरा के यूनिक फीचर्स हैं फॉग लैम्प्स, LED DRL, फॉलो मी हेड लैम्प, रियर केबिन लैम्प्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर डिफॉगर, जेड शेप्ड रियर लाइट्स। तो इन फीचर्स को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि दोनों ही कार्स में कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो कि केवल उनमें हैं, दूसरी कार में नहीं। बट ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो डिज़ायर के अंदर जो फीचर्स हैं जैसे ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, लगेज लैम्प्स, इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूजेबिलिटी है। तो हमारे हिसाब से डिज़ायर के फीचर्स थोड़े से ज़्यादा बेटर हैं। वारंटी के हिसाब से देखें तो ऑरा में 3 तरह के वारंटी प्लान्स हैं। फर्स्ट 3 साल या फिर 100,000 किलोमीटर्स, सेकंड 4 साल या फिर 50,000 किलोमीटर्स, और थर्ड 5 साल या फिर 40,000 किलोमीटर्स। कस्टमर अपनी कार की रनिंग के हिसाब से इन तीनों में से कोई सा भी प्लान सेलेक्ट कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जबकि डिज़ायर में ओनली 2 साल या 40,000 किलोमीटर्स तक की फ्री कंपनी वारंटी आती है। इस कंपैरिजन का फाइनल कंक्लूजन देखें तो अगर आपको डीजल कार लेनी है या फिर कंपनी फिटेड CNG कार लेनी है या फिर टर्बो चार्ज कार लेनी है तो आपके पास ओनली
ऑरा ही एक ऑप्शन है, डिज़ायर में ये चीज़ें नहीं आती। पर आप अगर पेट्रोल कार लेने का सोच रहे हैं तो दोनों कार एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देती है। दोनों कार्स की लेंथ और व्हील बेस सेम है, कंफर्ट राइड क्वालिटी भी दोनों कार की अच्छी है, और साथों साथ फीचर्स में भी ओनली 19 का ही फ़र्क है। हमारी ओपिनियन में आपको डिज़ायर का VXI वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए ऑरा के S वेरिएंट से। इसके मेनली दो रीज़न हैं। फर्स्ट, डिज़ायर का जो माइलेज है वो ऑरा से काफ़ी बेटर है, और डिज़ायर एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में भी अच्छा माइलेज निकाल के देती है। एंड सेकेंड है डिज़ायर की रीसेल वैल्यू। डिज़ायर उन कार्स में से एक है जिनकी सबसे बेहतरीन रीसेल वैल्यू आपको मिलती है। अभी कार बाय करते समय आपको जो एक्स्ट्रा 25,000 से 30,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं वो आपको इसकी रीसेल वैल्यू में ईजिली रिकवर हो जाएंगे। साथों साथ डिज़ायर ऑरा के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए 3 पैसेंजर रियर सीट्स में ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं डिज़ायर के अंदर। तो कार लवर्स, कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो? इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपका फीडबैक पता चले। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए धन्यवाद।